अगली खबर है छात्रों से जुड़ी हुई, जिसमें एमपीईबी व एमपीपीएससी में लंबित भर्ती व रिवाइज्ड परिणामों की घोषणा की मांग को लेकर छात्रों ने शुक्रवार को रैली निकाली। लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलकर नगर निगम चौराहे से कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर कलेक्टर अनूप कुमार सिंह के नहीं होने पर अन्य अधिकारी ज्ञापन लेने पहुंचे। नाराज छात्रों ने ज्ञापन कलेक्टर को ही देने की बात कहकर धरना शुरू कर दिया। तेज धूप में छात्र और छात्राएं धरने पर बैठ गए। शहर के अलग अलग कोचिंग संस्थानों में व्यापम के तहत एमपीपीएससी के तहत सब इंस्पेक्टर, पटवारी, फॉरेस्ट, जेल प्रहरी, वन रक्षक, शिक्षक संवर्ग सहित अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले 500 के लगभग छात्र सुबह 11 बजे नगर निगम पर एकत्रित हुए। यहां से हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर शांतिपूर्ण रूप से रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे। ज्ञापन लेने के लिए अपर कलेक्टर अशोक जाधव पहुंचे, जिस पर छात्रों ने कलेक्टर महोदय को ही ज्ञापन देने की बात कही। अपर कलेक्टर जाधव ने कलेक्टर के शहर में नहीं होने की जानकारी दी। इस पर छात्रों ने शाम 4 बजे तक इंतजार की बात कही व धरना शुरू कर दिया। रैली में शामिल निजी कोचिंग संस्थान के संचालक गौरव चौहान ने बताया, मध्य प्रदेश में भर्तियों को लेकर प्रक्रिया रुकी हुई है, जिससे कोचिंग लेने वाले बच्चे मानसिक रूप से भी परेशान हैं। 4 से 5 सालों में यह सतत तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इसका उन्हें सकारात्मक परिणाम परीक्षाओं के रूप में नहीं मिल पा रहा है। छात्रा दीप्ति सोनी ने बताया, पिछले 4 साल से हम ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी सकारात्मक परिणाम नजर नहीं आ रहा है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर कैलेंडर जारी किया जाता है, लेकिन जब परीक्षा की तारीख नजदीक आती है तो उसे निरस्त कर दिया जाता है। तैयार करते हैं काफी बच्चे, व्यापम से, आयोग से जो वैकेंसी नहीं आ रही उसे बहुत प्रताड़ित है। 2016-17 के बाद सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी वैकेंसी नियुक्त नहीं की गई जिससे बच्चों को अपना भविष्य दिखाई दे। इसी को लेकर बच्चों ने एक रैली निकाली है, जिसमें सभी शिक्षकों का और बच्चों का योगदान है। अभी हम लोगों की बात भी हुई थी, कलेक्टर सर को हमें आवेदन देना है, सर किसी वजह से यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो सर जब भी आते हैं, सर का कहना है जब वो मीटिंग खत्म होगी तब आएंगे, तो सभी बच्चे इस बात पे एग्री है कि जब सर आएंगे तो हम आवेदन उन्हीं को देंगे। इसी के लिए सभी बच्चे, ये सभी बेरोजगार बच्चे जितने भी देख रहे हैं सब बेरोजगार हैं और सब सरकार की नीतियों से परेशान है। वे चाहते हैं कि नीतियों में बदलाव हो, एमपीपीएससी की जो रिजल्ट है वो रिजल्ट दिए जाए। 2021 वाला भी पीएससी अभी हुआ था उसका कोई ठीक नहीं लग रहा है, 19 का मेंस हुआ है उसका इंटरव्यू कर लग नहीं रहा है, 20 का भी ऐसे, 21 का भी, 2022 खत्म होने वाला है, अभी तक 19 का रिजल्ट ही नहीं आया है।